हेलो, माय नेम इज़ एमिर। मैं स्लॉटी क्रिएटर को रिप्रेजेंट करता हूँ। हमारी कंपनी आई गेमिंग इंडस्ट्री के लिए B2B सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। हम न्यू कमर्स और एक्सपीरियंस ऑपरेटर्स को स्मूथली बिजनेस रन करने में मदद करते हैं। कंपनी की और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें। आज के एपिसोड में हम ज्यूरिसडिक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपने इस सीरीज़ की फर्स्ट एपिसोड देखी है तो अब आप जानते होंगे कि गैम्बलिंग बिजनेस सक्सेसफुली चलाने के लिए सबसे पहले टारगेट मार्केट के बारे में रिसर्च करें और उस जगह की रेगुलेशन के बारे में। जब आपके पास टारगेट मार्केट की लिस्ट हो जाए तो उनमें से बेस्ट ऑप्शन चूज़ करने से पहले उनके प्रोज और कॉन्स देख लें। सबसे पहले देखें लाइसेंसिंग प्रोसेस। हर ज्यूरिसडिक्शन के अपने एक प्रोसेस होता है। वो यूजली बहुत कॉम्प्लेक्स, ड्यू डिलीजेंस स्ट्रिक्ट और बहुत सा पेपर वर्क होता है। लाइसेंस की चॉइस टाइम फेयर पर भी डिपेंड कर सकती है, जैसे कि कुरासाओ का लाइसेंस 6 हफ्तों का टाइम ले सकता है और वेल इस्टेब्लिश जैसे कि माल्टा का लाइसेंस 6 महीनों का टाइम ले सकता है। फिर कॉस्ट, लाइसेंस की कॉस्ट भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है डिसीजन के लिए। कॉस्ट में एप्लीकेशन की फ़ी, लाइसेंस की फ़ी, रिन्यूअल की फ़ी और बाकी एप्लीकेशन प्रोसेस की फ़ी। कुछ ज्यूरिसडिक्शन में हर गैम्बलिंग टाइप की फ़ी सेपरेटली हो सकती है। टैक्सेस, हर गवर्नमेंट के टैक्स सिस्टम अलग सा हो सकता है। किसी में तकरीबन नो फी और किसी में रेवेन्यू के मुताबिक। गेम कंटेंट, कुछ ज्यूरिसडिक्शन जैसे कि कुरासाओ के लाइसेंस हर टाइप की गैम्बलिंग अलाउ करता है और कुछ ज्यूरिसडिक्शन हर गैम्बलिंग टाइप का एक डिफरेंट लाइसेंस इशू करते हैं। गेम कंटेंट में ये 4 टाइप्स होती हैं: कैसीनो या रैंडम नंबर जनरेटर, स्पोर्ट्स बेटिंग, प्लेयर टू प्लेयर गेम्स जैसे कि पोकर और लास्ट में फैंटसी स्पोर्ट्स। पोकर की रेगुलेशन ज्यूरिसडिक्शन पर डिपेंड करती है। कुछ में ये स्किल गेम और कुछ में लक गेम कंसिडर होती है। जहाँ पर स्किल गेम कंसिडर होती है वहाँ पर पोकर ऑपरेट करने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। और हर गेम प्रोवाइडर्स की लाइसेंस की रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट होती है। कुछ गेम प्रोवाइडर्स कुरासाओ और कुछ माल्टा के लाइसेंस पर ऑपरेट करते हैं। फिर लेवल ऑफ एक्सपीरियंस, फर्स्ट टाइम ऑपरेटर्स मोस्टली कम कॉस्ट के लाइसेंस को चूज करते हैं और एक्सपीरियंस ऑपरेटर्स जिनका प्लेटफॉर्म एक ब्रांडेड प्लेटफॉर्म होता है वो दूसरे एक्सपेंसिव लाइसेंस को प्रेफर करते हैं। फर्स्ट टाइम ऑपरेटर्स को मेरी प्रोफेशनल एडवाइस ये है कि उनको कुरासाओ का लाइसेंस कंसिडर करना चाहिए क्योंकि लो कॉस्ट और फास्ट प्रोसेस। इन सब फैक्टर्स को सामने रख के अपना बिजनेस प्लान बनाएं और याद रखें कि ऑपरेटर्स एक से ज़्यादा लाइसेंस ऑपरेट कर सकते हैं जो बाद में अपग्रेड कर सकते हैं, जैसे माल्टा और UK। गैम्बलिंग बिजनेस लॉन्च करने से साथ लाइसेंस चूज करना और बाद में अप्लाई करना काफ़ी ट्रिकी हो जाता है, इसलिए ऑपरेटर्स ज्यूरिसडिक्शनल एडवाइजरी सर्विसेज यूज़ करते हैं। हमारी कंपनी के प्रोफेशनल्स आपके लिए सब पेपर वर्क और लाइसेंस की एप्लीकेशन हैंडल करेंगे और आप अपने बिजनेस में फोकस करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो बिजनेस डिसीजन लेने में आपकी हेल्प करेगी। नेक्स्ट एपिसोड के लिए सजेशंस और क्वेश्चंस नीचे कमेंट में लिखें। लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।